उपलों से पिच सुखाने का ये वीडियो अगर 20 साल पुराना होता तो सुविधाओं का रोना रोकर इसे हम भूल जाते, लेकिन ये वीडियो आज के उस दौर में आया है जहां भारत में क्रिकेट पैसों की बारिश कर रहा है। बावजूद इसके बारिश से मैदान गीला होने के बाद बिहार बोर्ड के पास उसे सुखाने का कोई रास्ता ही नहीं था, इसीलिए पिच के पास उपले जलाकर मिट्टी की नमी को सोखने की कोशिश हो रही है। पटना के जिस मोइनुल हक स्टेडियम में ये उपले जल रहे हैं वहाँ रणजी का मैच खेला जा रहा है। बारिश के बाद मैच रुका तो बिहार बोर्ड के फंड्स नहीं बल्कि ये देसी जुगाड़ काम आया। वैसे ये जुगाड़ तो कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े इंटरनेशनल मैचों में भी जब कुदरत ने दखल दी तो घर पर काम आने वाली चीजों से मैदान को सुखाया गया। गुवाहाटी में भारत और श्रीलंका के T20 मैच के दौरान हेयर ड्रायर से मैदान को सुखाया जा रहा था। उस दौरान विराट और धवन जैसे खिलाड़ी भी अपने देश के बदहाल स्टेडियम को देख रहे थे। उसी मैच में जब हेयर ड्रायर से मैदान नहीं सूखा तो असम क्रिकेट बोर्ड के पिटारे से स्टीम आयरन निकला, फिर आयरन से मैदान सुखाने की कोशिश हुई। इससे बड़ी फजीहत तो 2023 के IPL फाइनल में हो गई थी। उस दौरान दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बारिश के बाद मैदान सुखाने के लिए फोम का सहारा लिया जा रहा था। छोटे स्टेडियम्स की वजह से भारतीय क्रिकेट की ऐसी बेइज्जती इंटरनेशनल लेवल पर भी हुई। इसी साल सितंबर के महीने में ग्रेटर नोएडा में न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के मैच के दौरान टेबल फैन से मैदान को सुखाया जा रहा था। मेंटेनेंस के लिए हर मान्यता प्राप्त क्रिकेट बोर्ड को BCCI की ओर से करोड़ों रुपए मिलते हैं। इसके बावजूद ऐसी तस्वीरों का आना देश के क्रिकेट के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।